हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन कुमार पर स्वागत है। जैसा कि कल हमने एलोबरेट किया था, सिलेबस ब्रीफ किया था, उसके अकॉर्डिंग आज हम आपके समक्ष एक टॉपिक को लेके आए हैं। जैसा कि पिछले क्लास में ही हमने डिस्कशन किया था, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन ने जो हिस्ट्री विषय के अंतर्गत सिलेबस प्रोवाइड कराया, उसमें पहला ही टॉपिक क्या है, मध्यकालीन भारत का इतिहास या मिडिवल हिस्ट्री। तो मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास में जो उन्होंने टॉपिक बनाया, फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस या सोर्स, सोर्सेस। इसके अंतर्गत कुछ शब्दावली, तकनीकी शब्दावली का उन्होंने उल्लेख किया है, जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहली बार इस तरह से टॉपिक को एलोबरेट किया गया है। पहला टॉपिक इसमें है ग्राफिक और लेख, आलेखन, या इसके अंतर्गत आप उन चीजों को शामिल करते हैं जो बेसिकली कंक्रीट फॉर्म में होता है। जैसे आप इसमें इंस्क्रिप्शंस को शामिल कर सकते हैं, एडिक्ट को शामिल कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कॉपर प्लेट्स और डिफरेंट प्लेट्स हो सकते हैं जिसके ऊपर इतिहास के बारे में कुछ चीजें क्या हो, वर्णित हो। तो इसको जानना है, इसमें टाइमलाइन चार्ट को जानना है, बेसिकली जिसको हम समय रेखा चित्र कहते हैं, तो वो भी इतिहास को जानने में मदद करता है। यानी एक इसमें इसका डेवलपमेंट कैसे है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, तो इस ग्राफिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर नॉर्मली देखें तो इसमें लिखित सोर्स में लिटरेरी सोर्स को शामिल नहीं किया गया है। लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत को इसमें शामिल नहीं किया गया, क्योंकि इसमें जो तीसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है इस मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत, वो लिटरेरी सोर्स ही है। तो लिटरेरी सोर्स इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा, इसके अंतर्गत उन चीजों को शामिल किया जाएगा जो अतिरिक्त लिखित स्रोत है, ठीक है, टाइमलाइन चार्ट है या अन्य चीजें। इसमें दूसरा जो बिंदु है या दूसरा जो तकनीकी शब्दावली है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, वो है न्यूमिस्मैटिक्स और न्यूमिस्मैटिक्स साइंस। इसको हम सामान्य रूप से सिक्का शास्त्र या मुद्रा शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। तीसरा है इसमें मॉन्यूमेंट्स या स्मारक, विशेष रूप से ये सारे प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, और इसके आधार पे मध्यकालीन इतिहास को पढ़ने, समझने और इतिहास लेखन में मदद मिलता है। इस वजह से ये तीन जो बेसिक टेक्निकल टर्म्स है, पहले आपने उसके बारे में समझा। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें से किसी एक बिंदु को कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक इसमें है न्यूमिस्मैटिक्स, और इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ उतना ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्जामिनेशन ही नहीं है जिसमें मिडेवल पीरियड से तीन से चार क्वेश्चन केवल मुद्रा शास्त्र या सिक्का शास्त्र से ना आए, और इसका अपना एक डेवलपमेंट है जिसको जानना ही चाहिए हमें। तो आप जानते हैं कि मुद्रा शास्त्र सामान्य रूप से अलग अलग समय पे शासकों के द्वारा करेंसी सिस्टम के रूप में जारी किया जाता है, जो आर्थिक पहलू का या लेन देन का, सेल परचेज का, खरीद बिक्री के लिए सबसे मुख्य अंग माना जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में मुख्य रूप से वैदिक काल से पहले तक जो व्यापार का माध्यम होता था वो बार्टर सिस्टम, या जिसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, उसको रिप्लेस किया गया लेटर वैदिक पीरियड और आगे आने वाले काल में। तो सिक्का का अपना एक इतिहास है जो प्राचीन काल में है, लेकिन हमारा टॉपिक केवल मध्य काल से संबंधित है, इसलिए हम केवल मध्य काल के सिक्का का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए,
अगर मध्य काल में हम बात करें सिक्के या मुद्रा या क्वाइन के प्रचलन का, तो ध्यान रखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है नॉर्मली, या अभी तक क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो सामान्य रूप से जो क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया है कि इसका धातु क्या है यानी मेटल, फिर पूछा जाता है कि किसके द्वारा यानी कब जारी किया गया, किसने जारी किया और इस सिक्का का सिक्का की विशेषता क्या है। विशेषता से मतलब क्या है, विशेषता से मतलब है कि उस पे क्या अंकित है, भाषा कौन सा है, चित्र कौन सा है या कोई अन्य इंफॉर्मेशन है क्या, क्या टकसाल के बारे में यानी मिंट, मिंट कहते हैं टकसाल को जहां से सिक्का को छापा जाता है छापा खाना, तो उसका नाम अंकित है क्या, डेट है क्या, यानी जो विशेष चीज चीजों के बारे में वर्णन किया जाता है तो विशेषता भी एक विषय होता है। अगर हम किसी भी सिक्के का इन बिंदुओं पे अगर हम चर्चा कर ले तो एग्जामिनेशन में कभी भी क्वेश्चन मिस नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़े उसका बेसिक समझे और उसके जितने भी डायमेंशन है, जितने भी उसके डोमेन है, क्षेत्र है, उन सभी का अध्ययन जरूर कर लें। और ध्यान रखिएगा मैं इस क्लास में बेसिकली इसके एक डेवलपमेंट को दिखाने का प्रयास करूंगा जो इसमें इसके सिक्का शास्त्र के उन सभी पहलुओं को शामिल करता है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा टिपिकल फैक्ट जो इसमें होंगे जैसे कि कितने प्रकार के सिक्के कहां कहां से पाए गए, ये सब आप स्टडी मटेरियल में जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा और अगर आपके पास जो सोर्सेस हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री के लिए सामान्यतः हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हरिश्चंद्र वर्मा सतीश चंद्रा को आप पढ़ सकते हैं, ये दो मुख्य विषय किताब है। इसमें आप चाहें तो इम्तियाज अहमद को भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यही तीन मूलभूत किताब या बुक माने जाते हैं मेडिवल हिस्ट्री से। लेकिन एक जगह पे आपको सब कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा, स्कैटर्ड होगा यानी कहीं कहीं अलग अलग विषय के साथ संदर्भित होगा, लेकिन हमें एक साथ पढ़ना है तभी जाके ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सिक्का का इतिहास है इस काल में, अगर हम इतिहास की बात करें कि सबसे पहले किसने सिक्का जारी किया, इसी विषय को हम देखते हैं कि सबसे पहली बार किसने सिक्का जारी किया, किसने कब किया, उसका धातु क्या है और उसकी विशेषता क्या है, यानी पहले सिक्के के बारे में भी हम इन्हीं मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, हालांकि हमें इसमें थोड़ा सा इसके ग्राफिक्स को देख लेना चाहिए था जिससे हमें हेल्प मिलता, फिर भी मैं यहां इन शॉर्ट बता देता हूं। हालांकि इनके ऊपर मैं कई बार चर्चा करता रहता हूं इसलिए इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन एक इंफॉर्मेशन के लिए कि जो मध्यकाल का इतिहास है ओवरऑल इसका जो पीरियड है इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में जो टाइम पीरियड दिया गया है अप्रॉक्स
18th सेंचुरी एडी यानी लगभग 18वीं सदी के मध्य से लेके सॉरी 8वीं सदी के मध्य से लेके 18वीं सदी के मध्य तक के इतिहास को सामान्यतः मध्यकाल का इतिहास कहते हैं। लेकिन जो सिलेबस में उपलब्ध कराया गया है उसके हिसाब से इसके जो पार्ट सेकेंड है ना वहां से क्वेश्चन है टॉपिक है। जैसे मेडिवल इंडिया के भी दो भाग है, मैं यहां पे थोड़ा सा बता ही देता हूं। मेडिवल इंडिया के दो भाग है, पहला जिसे आप पूर्व मध्यकाल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल अर्ली मेडिवल ध्यान रखिएगा, और जो इसका दूसरा सेगमेंट है पोस्ट मेडिवल या उत्तर मध्यकाल। ये जो अर्ली मेडिवल पीरियड है ये सिलेबस में नहीं है, केवल मेडिवल है ध्यान रखिए। लेकिन हम सीधा सीधा कभी भी उत्तर मध्यकाल को नहीं पढ़ सकते, यहां से हमें इसका ट्रेंड लेना ही होगा, इसके डेवलपमेंट को लेना ही होगा, तभी जाके हम इसको मूल रूप से पढ़ पाएंगे। जैसे पूर्व मध्यकाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अंडर राजपूत डायनेस्टीज या राजपूत सम्राटों के द्वारा, राजपूत वंश के द्वारा जो इसमें राजनीतिक व्यवस्था स्थापित किया गया उसका ही एक्सटेंशन यहां देखने को मिलेगा। अगर हम कल्चर सोसाइटी रिलीजन और लिटरेरी डेवलपमेंट की बात करें तो जो अर्ली मेडिवल में हुआ वही यहां जाके डेवलप हो रहा है। जैसे आप साहित्य की बात कर ले एग्जाम्पल के रूप में, तो 11वीं शताब्दी में या उससे पहले कुछ पुस्तकें लिखी गई जो महमूद गजनबी गौरी और उससे भी पहले काशिम का इतिहास है। तो बिना महमूद गजनबी और गौरी का इतिहास पढ़े आप दिल्ली सल्तनत का इतिहास नहीं पढ़ सकते, उसे हमें लिंक करना ही होता है। अगर आप सूफिज्म एंड भक्ति कल्ट या सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन जब पढ़ते हैं तो आपको इस्लाम पढ़ना होता है, जब भारत में इस्लाम का आगमन होता है वहां से उसका ट्रेंड डेवलप होता है। अगर आप भक्ति पढ़ते हैं तो शंकराचार्य से हमें टॉपिक स्टार्ट करके ले जाना होता है आगे, तभी आप भक्ति आंदोलन को कंप्लीट पढ़ पाएंगे। तो इसका मतलब यह है नोट आउट कि गिवन टॉपिक हमारा पोस्ट मेडिवल ही है, बट हम अर्ली मेडिवल के उन सभी डायमेंशन को स्टार्ट लेंगे जहां हमें इसमें जो गिवन टॉपिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जितने भी विषय होगा जिसका संदर्भ उत्तर मध्यकाल से है हमें वहीं से स्टार्ट करना होगा। तो हमें बात करना है आज के इस सेशन में क्वाइंस के ऊपर, सिक्के के ऊपर या मुद्रा शास्त्र के ऊपर, तो ये डेवलपमेंट समझना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मध्यकाल में कब, किसने, किस धातु का और किन विशेषताओं के साथ सिक्का जारी किया था। जैसा कि आप जानते हैं मध्यकाल मूलतः मुस्लिम शासनकाल के नाम से जाना जाता है, सुल्तानों का काल है, दिल्ली सल्तनत का काल है। लेकिन दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले जैसा कि अभी ही हमने डिस्कस किया कि महमूद गजनबी और मुहम्मद गौरी भारत में पूर्वगामी है दिल्ली सल्तनत के, यानी ये भारत में आए, इनका इतिहास रहा कि आए लूटे और चले गए। महमूद गौरी कुछ एरिया को अपने साम्राज्य में मिलाया, विशेष रूप से दिल्ली लाहौर और जो अन्य एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडियन टेरिटरी का। तो महमूद गौरी के काल में ही सबसे पहले सिक्का ढाले जाने की परंपरा शुरू हुई। अब समझिए महमूद गजनबी के समय का कोई हमें सिक्का नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत के ऊपर शासन नहीं किया, यहां से खजाना लूटे, मंदिरों को लूटा या फिर अन्य शासकों को लूटा, उनके पास जो भी धन थे उनको अपने साथ अपने देश लेके चले गए, यानी गजनी चले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जब भारत में साम्राज्य स्थापित किया और अपने, अगर हम अरबी भाषा में बात करें तो
अरबी शब्द का प्रयोग करें तो इनके जो छत्रप थे, इनके जो गवर्नर थे, या इनके जो भारत के क्षेत्र में शासन करने वाले अधीनस्थ अधिकारी थे, उन लोगों ने जब यहां पे शासन किया होगा तो लेन देन के लिए, खरीद बिक्री के लिए या फिर व्यापार के लिए किसी न किसी सिक्के का प्रयोग किया होगा और वहीं से सिक्का का इतिहास क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो मोहम्मद गौरी के द्वारा सबसे पहली बार एक सिक्का का अनुकरण किया गया। ध्यान रखिएगा मैं यहां पे अनुकरण टर्म यूज कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये अरबी सिक्का नहीं है, ये भारतीय सिक्का का अनुकरण है, भारतीय सिक्के का अनुकरण किया जा रहा है मोहम्मद गौरी के द्वारा, जो पहले से भारत में चला आ रहा था। ये सोने का सिक्का है, यानी इसका धातु क्या है? सोना। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये सोने का सिक्का चूंकि अनुकरण किया गया है, इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी भारत में संचालित है। तो भारत में इसका संचालन किसके शासनकाल में किया जाता था? तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी 10वीं और 11वीं शताब्दी में यह सिक्का रन कर रहा है, यानी कब का आंसर आपको मिल गया। अगर हम बात करें कि किसने ये पहले से चलाया था, तो इसका आंसर है कि भारत में ये गांधार देव नाम का एक शासक है जो कलचुरी वंश का है। कलचुरी चेदी आपने पढ़ा होगा, दक्कन में, दक्कन के क्षेत्र में एक साम्राज्य है, उसका ही एक शासक है गांधार देव, नाम है गांधार देव। इसने जो भारत में 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी में जो सोने के सिक्का का प्रचलन था, उसी सिक्के को मोहम्मद गौरी ने अनुकरण करके अपने साम्राज्य में संचालित किया, उसको जारी किया। तो तीन फैक्ट आपको मिल गया कि धातु क्या है, सबसे पहले सोने के सिक्के हैं, यानी धातु सोने का हो गया। कब? तो पहले से 10वीं 11वीं शताब्दी में यह चला आ रहा था, लेकिन जब आप गौरी का शासनकाल देखेंगे तो आपको बताना होगा कि ये 1170 से 1206 के बीच में इनका शासनकाल है, जिसमें भारत में अगर बात करें तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन या तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में घटित हुआ है, उसके बाद से इन्होंने सिक्का चलाया। तो अगर कब का आंसर पूछा जाए तो इस टॉपिक के संदर्भ में आप कहेंगे लगभग 1194 के आसपास, लेकिन ये पहले से चला आ रहा है इसीलिए इसका अनुकरण किया। अब इसकी विशेषता क्या है? विशेषता अगर आपसे पूछा जाए तो एक फीचर इसका है कि इस सिक्के के ऊपर गॉडेस लक्ष्मी, यानी देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित है, और मोहम्मद गौरी मुस्लिम होते हुए भी भारतीय जनता के जो आराध्य देवी है लक्ष्मी, उसके अंकन के साथ ही अपने शासनकाल में सिक्के को जारी रखा। तो यहां पे कल्चरल इंटीग्रेशन भी देखने को मिलता है न्यूमिस्मेटिक साइंस के साथ। आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट मोहम्मद गौरी ने भारतीय सोने के सिक्के को ही अनुकरित किया, जो पहले से संचालित है, और उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको एडॉप्ट कर लिया। तो लक्ष्मी देवी के चित्र अंकित सोने के सिक्के का प्रचलन दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, या दिल्ली सल्तनत के पूर्व जो अन्य मुस्लिम शासक थे मोहम्मद गौरी, उसके सिक्के पे देखने को मिलता है, जो भारतीय इतिहास में कलचुरी वंश के शासक गांधार देव के सिक्के का प्रतिरूप है, उसका ही दूसरा रूप कॉपी है। ठीक है, तो ये यहां से सिक्का का इतिहास मध्यकाल में स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हां, तो मोहम्मद गौरी के जितने भी
क्षत्रप थे या उसके जितने भी प्रांतपति हैं, जिसमें सबसे मुख्य है उनके जो दास थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौस एंड कुबाचा। आप जब दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास पढ़ेंगे उस समय डिस्कशन करेंगे कि मोहम्मद गोरी के तीन प्रमुख दास थे और उन्हीं तीनों को भारतीय एरिया में जीते हुए क्षेत्र को सौंपा गया था और अपने अपने क्षेत्र में उनके ये तीनों दास शासन कर रहे हैं। तो वो भी अपने शासन के दौरान इसी सिक्के को जारी रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। यानी हम यहां पे सीधा सीधा बात करने वाले हैं मोहम्मद गोरी के जो सबसे मुख्य गुलाम और भारतीय क्षेत्र का जो पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, जिसका नाम आप जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी सिक्के को जारी रखा। चेंज कब होगा, या कहें तो जो इनका मूल क्षेत्र है जो सेंट्रल एशिया है, जिसमें आप कह लेंगे अफगानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, जो उनका अपना पर्शियन और टर्की कल्चर है, अरबी संस्कृति है, उस संस्कृति में पहला सिक्का किसने जारी किया, तो वो हमारा अगला टॉप मतलब इसमें पॉइंट होगा। तो इसको मिटा दो। चलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो गोरी के बाद चेंज आता है सिक्के के इतिहास में इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत थर्ड किंग है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ समय के लिए आराम शाह है, आराम शाह के बाद तीसरे नंबर पे इल्तुतमिश है, जिसका शासनकाल 1211 से लेके 10 भी लिखा हुआ मिलेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बीच में कुछ समय आराम शाह है इस वजह से 11 लिखा जा सकता है, से लेके 1236 तक, ठीक है। इस बीच में किसने शासन किया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का या मुस्लिम सुल्तानों में पहला सुल्तान है जो प्योर अरेबियन सिक्के का प्रचलन किया है। शुद्ध अरबी, प्योर अरेबियन सिक्का है, प्योर अरेबियन क्वाइन है। इसका मतलब है जो अरब देश में जो पहले से संचालित सिक्के थे उसका अनुकरण भारत में किया गया है। यानी भारत के लिए तो नया है, लेकिन अगर विश्व के स्तर पे देखें तो अरब देश में यह सिक्का पहले से संचालित है। अब इसके सिक्के का जो प्रारूप है कब जारी किया गया, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। किसने, तो इल्तुतमिश। अब हम इसके विशेषता के बारे में बात करें तो इनके सिक्के दो प्रकार के हैं। धातु की के स्तर पर बात करें तो ध्यान रखिएगा सिल्वर है, सोना बिल्कुल नहीं है, दूसरा है तांबे का, कॉपर। चांदी के और तांबे के सिक्के जारी किए गए इल्तुतमिश के द्वारा, जो कि शुद्ध अरबी सिक्के हैं, जिसके ऊपर अरबी संस्कृति के का अनुकरण होगा। जैसे अरबी सिक्के पर अरबी भाषा में खलीफा का नाम लिखा हुआ होना, टकसाल का नाम लिखा हुआ होना, यानी मिंट का नाम है, मिंट जहां से वो सिक्का जारी किया जाता है। कई बार उसके ऊपर कलमा या आयतें लिखी हुई हैं, तो उन्हीं चीजों के साथ या उन्हीं विशेषताओं के साथ इल्तुतमिश ने भारत में ये सिक्के जारी करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो चांदी का सिक्का बनाया इन्होंने उसे कहा गया टंका। क्या कहा गया, टंका। तो टंका क्या है, चांदी के सिक्के हैं, जो सामान्यतः ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप परेशान होते हैं, 175 ग्रेन का है,
जो इसके मौद्रिक मूल्य को बताता है, जो इसका मेटालिक वैल्यू है उसको दिखाता है 175 ग्रेन्स। ये उसके वजन को डिफाइन करता है। जैसे आप देखेंगे यही सिक्का मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 200 ग्रेन्स का हो जाता है, 200 ग्रेन का हो जाता है। और अन्य भी प्रकार है जो आगे हम जब बढ़ेंगे इसमें तो बताऊंगा। फिलहाल आप इसको इतना समझिए कि जो चांदी का सिक्का बनाया इल्तुतमिश ने, वो उसका नाम टंका है और उसका जो वैल्यू है, मौद्रिक मूल्य है, वो 175 ग्रेन का है। अब देखिए जो तांबे का सिक्का है उसको कहा जाता है जीतल। क्या कहा जाता है? जीतल। जीतल का मौद्रिक मूल्य 140 ग्रेन है, यानी है तांबे का, 140 ग्रेन का है जीतल। ध्यान रखिएगा बहुत सारे बुक में जीतल के धातु को कांसा या ब्रॉन्ज लिखा हुआ मिल सकता है। कुछ सामान्य पुस्तक में बहुत सारे लोग पीतल भी लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो इल्तुतमिश ने जारी किया था वो तांबे का है, तांबे का है जीतल, टंका चांदी का है। यही दो सिक्का किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया। विशेषता आपने देखा, इसके ऊपर क्या विशेषता होगा? तो इसके ऊपर खलीफा का नाम है, टकसाल का नाम है, यानी किस टकसाल से इसको जारी किया गया। और सबसे मुख्य बात, इल्तुतमिश ने अपने बारे में भी इसके ऊपर लिखा, जैसे इन्होंने क्या उपाधि ग्रहण किया, अपने टाइटल को, अपने उपाधि को इस सिक्के पे अंकित करवाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि इल्तुतमिश के शासनकाल में जो सिक्के जारी किए जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से अरबी सिक्का नहीं होगा, क्योंकि अरबी सिक्के पे इल्तुतमिश का नाम नहीं होगा, है ना। तो भारत में जो सिक्का जारी किया जाता है जारी करता का नाम है, यानी इल्तुतमिश का नाम है। सचैच इल्तुतमिश का नाम नहीं है, इल्तुतमिश का उपाधि जो कि नासिर अमीर उल मुमनिन, लिखने की आवश्यकता वैसे है नहीं, फिर भी लिख देता हूं, नासिर उल मुमलिन याद रखिएगा, इसका मतलब होता है खलीफा के प्रतिनिधि। कई बार सिक्के पर धर्म रक्षक के रूप में भी इल्तुतमिश को दिखाया गया है, यानी इल्तुतमिश ने अपने बारे में लिखता है कि मैं धर्म और राज्य का तेजस्वी सूर्य हूं। उसने लिखा है कि सदा विजयी इल्तुतमिश या तेजस्वी सूर्य जैसा इल्तुतमिश, इस तरह के कई सारे उपाधि का अंकन करवाता है इस सिक्के के ऊपर। तो आपने देखा प्रथम समय है ये जिसमें पूर्ण रूप से अरबी सिक्के चलाए जाते हैं। ठीक है, और इसका इतिहास अगर आप देखें तो वही आएगा जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले मोहम्मद गोरी ने चलाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी सिक्के को जिसको इल्तुतमिश ने चलाया आगे आने वाले शासक संचालित करेंगे, जिसमें नसीरुद्दीन होंगे, जिसमें रजिया सुल्तान होगी, जिसमें बहराम शाह होंगे। बलबन के समय में इसमें एक नया डायमेंशन ऐड होगा, तो जो परिवर्तन का काल होगा वो किसका होगा? बलवन का। नहीं, इसको नहीं बात करें, पढ़ाएं इसके। तो बलबन का काल देखते हैं। बलबन के काल में
ये चलता रहेगा जो पहले से चला रहा है टंका और जीतल, लेकिन बलवन ने अपने समय में सोने का टंका चलाया, ये विशेष बात है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सोने के धातु का टंका किसने चलाया, तो आंसर क्या होगा, बलवन। क्यों? क्योंकि इससे पहले इल्तुतमिश और बलवन के बीच के जितने भी शासक थे उनके काल में चांदी का टंका या सिल्वर के टंका बनाए जाते थे और वही संचालित होता था। तो बलवन ने क्या किया, धातु बदल दिया, सिक्के का नाम सेम है, सिर्फ धातु बदला है, अदरवाइज जो ऑलरेडी पहले से जारी सिक्के थे उसको उन्होंने बंद नहीं करवाया, वो चलता रहा। जैसे मान लीजिए इस समय मोदी जी ने एक नया प्रचलन किया कि 2000 के नोट लाए, 1000 और 500 के जो पुराने नोट थे उसको बंद कर दिए। इसका मतलब ये नहीं था कि जो पहले से 100 रुपया 50 या 20 या 10 उसको बंद कर दिया उन्होंने, वो ऑलरेडी जारी है। साथ ही उन्होंने एक नया आयाम विकसित किया 2000 के नोट के साथ, 200 के नोट के साथ, है ना। तो इसी तरीके से बलवन पहले से जो टंका और जीतल जारी है उसको तो कंटिन्यू रखा, लेकिन इन्होंने सोने की धातु का भी टंका अपने शासनकाल में संचालित किया। ठीक है, अगर हम केवल टंके का इतिहास देखें तो इसी टंका का धातु सिकंदर लोदी ने ना तो चांदी रखा ना ही सोने का रखा, इसने तांबे के धातु का टंका चलाया। तो एक परिवर्तन और देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत के काल में सिकंदर लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी का शासक है, उसने अपने शासनकाल में तांबे के धातु का टंका संचालित किया। तो टंका केवल चांदी का नहीं है, प्रारंभिक सुल्तानों के काल में चांदी का टंका है, बलवन ने सोने का टंका जारी किया और सिकंदर लोदी ने टंका का धातु तांबा कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्का के इतिहास में सबसे ज्यादा जो परिवर्तन या विविधता देखने को मिलता है वो मिलता है किसके शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत फेमस राजा हैं, बहुत विद्वान हैं, सुल्तान हैं, राजा कहना ठीक नहीं है इनको। आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक को, तुगलक वंश के इतिहास में तीसरे सुल्तान हैं ये, बहुत विद्वान हैं। इनको बहुत सारे विदेशी इतिहासकार ने अरस्तु तक का उपाधि दे दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कई भाषाओं का और कई विषयों का, कई डिसिप्लिन का नॉलेज है इनके पास। विशेष रूप से इन्हीं नॉलेजों का उपयोग करते हुए इन्होंने पहली बार एक नया प्रचलन किया टोकन मनी का, जिसको हिंदी में सांकेतिक मुद्रा प्रणाली कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा प्रणाली, तो ये तो सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा क्या है, किसने चलाया? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया। तो क्या मोहम्मद बिन तुगलक के मन में ऐसा ही ख्याल आया कि कोई सांकेतिक मुद्रा हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि वो विश्व के कई देशों का इतिहास अध्ययन किया था, अन्य देशों के साहित्यों को पढ़ा था, तो उसे ये अनुभव हुआ कि विश्व के कई देश पहले से ही सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन अपने अपने देश में कर चुके हैं और वो सफल भी हुए हैं। दो एग्जाम्पल उनके पास था, एक चीन में ऑलरेडी पेपर करेंसी यानी
कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ था और वो सफल हुआ था। हालांकि जो दूसरा अनुभव है वो आंशिक रूप से सफल है, जब पर्शिया में यानी ईरान के क्षेत्र में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने का प्रयास किया गया था और वो असफल हो गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के अनुभव के आधार पे इन्होंने टोकन मनी चलाना शुरू किया, लेकिन ये इसमें असफल हो गए, यानी सफलता नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लानिंग नहीं किया अच्छा, ना तो इन्होंने प्लानिंग किया और ना ही इस सिक्के को जारी करने के लिए कोई ब्रांडिंग किया। ब्रांडिंग इन द सेंस कि सिक्के के ऊपर कोई टैग होता या कोई स्पेशल मार्का होता, रॉयल टैग जिसको कहते हैं आप, नहीं होने की वजह से इस सिक्के को मिसयूज किया गया, यानी फेक करेंसी बना दिए गए, कॉपी मुद्रा बना दिया गया, जैसे सामान्यतः जाली नोट हम लोग सुनते रहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया क्या, यहां पे मैं थोड़ा सा स्टैटिक्स को देखा दिखाना चाहूंगा जी। जो टंका है और जो जीतल है, कहा जाता है कि इसका जो मौद्रिक मूल्य है 1:48 का है, यानी आज के भाषा में हम कहें तो चांदी का जो सिक्का है उसका 1 रुपया का वैल्यू जो तांबे का जीतल है उसके 48 रुपए के बराबर है। लेकिन उन्होंने इसको क्या किया, इक्वल कर दिया, यानी टंका और जीतल का मूल्य बराबर कर दिया। इससे क्या हुआ कि जिनके पास धातु गलाने का संयंत्र था, उन्होंने अपने घरों के बर्तन और तांबे को गला के बनाया जीतल, और चूंकि उसका मूल्य टंका का था तो टंका से उसको रिप्लेस करके चांदी के धातु को अपने करेंसी को अपने घर में स्टोर कर लिया, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, और जो जीतल के करेंसी थे और वो भी फेक जाली बनाया गया था, उसको पूरे मार्केट में फैला दिया गया। कई इतिहासकार जो उनके शासनकाल में हैं, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक बर्नी, इन्होंने लिखा है कि दिल्ली का प्रत्येक मोहल्ला टकसाल के रूप में परिवर्तित हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि अनप्लान्ड तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने इस सिक्के को, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली को संचालित किया और इसी वजह से ये असफल हो गया। अब बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जब ये असफल हुआ तो इसके बदले कुछ और नए तरीके के सिक्के को उन्होंने संचालित करना शुरू कर दिया, जैसे अदली, दिनार, ठीक है, जो ऑलरेडी अरब में संचालित था। तो आप याद रखिएगा दिनार सोने का है, अदली कई धातु के बनाए जाते हैं जिसमें चांदी भी है, कांसा भी है और तांबा भी है। आज के क्लास को हम यही स्टॉप करते हैं, अगले क्लास में इस न्यूमिस्मैटिक्स को या सिक्का शास्त्र को आगे कंटिन्यू करेंगे, दिल्ली सल्तनत में जो आगे है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर मुगल काल में जितने भी करेंसी है उसको कंप्लीट करेंगे, और साथ ही दिल्ली सल्तनत और मुगल के कंटेम्परेरी या समकालीन जो रीजनल स्टेट है उनके सिक्के का भी अध्ययन करेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ इन सिक्कों का अध्ययन नहीं करें तो फिर क्या होगा, एग्जामिनेशन में अगर वेरिएशन के साथ क्वेश्चन आता है तो फिर आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।